जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज थाना में थे अभी रात्रि, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले महिलाओं के लिए आप जो भी हैं, जिनके मन में जो भी बात हो, लेकिन महिलाएं बहुत बहुत पीड़ित हैं, ये बात सही है। ग्रामीण थाना में है, हम रेगुलर ऐसा देखते हैं कि एक से एक पीड़िता आती हैं। इतने रात बिरात औरतों को उनके घर से निकाल दिया जाता है बच्चों के साथ, ये कहाँ से इंसाफ है? क्या उनका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है कि अच्छे घर की औरतें नहीं आती, अच्छे घर, गरीब घर, हर घर से औरतें आती हैं और बहुत पीड़ित होती हैं। कई जगह है कि पीड़ित होके लोग घर में ही रह जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित होते होते या तो आत्महत्या कर लेती हैं, या तो उनको मार दिया जाता है। इसीलिए जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सक्षम और शिक्षित बनिए, आप सर्वगुण संपन्न बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंस सब जगह रखना है, एक दिन परिवार हम भी संभालेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं भी पूरा एकदम फ्री होके मैं रहूँगी। जो नियम समाज का है, कानून का है, परिवार का है, वो सब मान के मुझे हमेशा चलना है। वो सब मैं सहूंगी, देखूंगी और पेशेंस के साथ अपने परिवार को चलाऊंगी। सब महिलाएं ऑलमोस्ट पेशेंस के साथ चलाती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती है जो नहीं चलाती हैं। लेकिन जो भी है, अपराध बिराध तो उसको घर से निकाल देते हैं। आप हक समझते हैं कि उस पर आप हाथ उठा सकते हैं, आप हक समझते हैं कि बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, हक समझते हैं कि अगर दो बेटियां पैदा हो गई तो आप नहीं अपनाते हैं। ये कैसा समाज है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं? इन सब चीज़ों को भी देखते हुए उनको समाज में जगह दिया जाता है, ये कोई अधिकार नहीं है किसी का भी। अगर महिलाएं थोड़ी शिक्षित बने तो अपने हक को समझेंगी कि हमारा हक क्या है। ग्रामीण महिलाएं अपने हक को नहीं समझ पाती हैं क्योंकि उतनी शिक्षित नहीं होती है। सरकार जो भी फैसला किया है महिलाओं के शिक्षा के लिए, उनको सीट देने के लिए, बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है। जब थाना में इन सब चीज़ों को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि भले हम लोग जो भी करें, जहाँ भी रहें, ये बात हमें ज़रूर रियलाइज़ कराया जाता है कि आप महिला हो, आप अपने लिमिट्स में रहो। ये हर जगह किसी भी पोस्ट पे क्यों ना चले जाए, ये बात को महसूस कराया जाता है। आपके सामने ही आपका इंसल्ट किया जाता है कि ये विभाग में इसका स्थान नहीं है, कैसे दौड़ेगी, कैसे छापामारी करेगी। तो आप सक्षम बनो, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में एक से एक महारथी हुई हैं, है ना? लक्ष्मी बाई भी रही हैं, तो एक से एक पहलवान अभी भी हैं, वो भी तो महिलाएं हैं। आप पूरे परिवार और गृहस्थी को संभालते हुए कभी ये नहीं देख पाते हैं कि खुद के लिए भी समय निकालें, थोड़ा मजबूत बने, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा मजबूत बनाएं अपने आप को। तो अपने आप को मजबूत बना के रखें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, वर्कआउट करें, जो भी पढ़ाई में अपने तैयारी में जो भी लगी हैं, आपको फील्ड में किसी भी क्षेत्र में काम करना है, थोड़ा सक्षम बने। जो ग्रामीण महिलाएं मुझे देख रही हैं, वो खुद को शिक्षित बनाने पे ज़्यादा फोकस करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को शिक्षित करें। यहाँ ऐसा होता है कि कहा जाता है कम एज में शादी, ज़्यादा एज में शादी, या फिर महिला ऐसी महिला वैसी, जो भी है, आप कुछ भी कर दीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं सिचुएशन पे वो फंसेगी। अगर वो बहुत अच्छी है तो वो इतना सहेगी सहेगी कि एक दिन मर जाएगी। अगर वो थोड़ी टाइट है तो परिवार में उसको प्रताड़ना, झगड़ा लगा रहना है, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ होना है, ठीक है। भगवान के शरण में हमेशा महिलाएं रहती हैं कि भाई भगवान का नाम लेते, कहीं भी उनको ये कभी महसूस नहीं होता ना कि उनका घर कौन सा है, मायका है या ससुराल है, कुछ है ही नहीं। तो अपना घर आप खुद बनाएं, ठीक है। ये जो सामाजिक परिवेश की जो भी बातें हैं कि ना मायका अपना घर है ना ससुराल अपना घर है, तो हम इतने सक्षम बनेंगे कि अपना घर हम खुद बनाएंगे, है ना? अपने आप को इतना मजबूत, इतना शिक्षित कीजिए, अपने आप को लायक बनाइए, तब देखिए आप कहाँ से कहाँ रहेंगे। अगर आगे चलकर जीवन में कोई मुसीबत भी आता है, कोई प्रताड़ना भी सहते हैं, तो आपके साथ अपने बच्चों को आप हैंडल कर पाएंगे? किसी का आस नहीं देखना होगा आपको, इसीलिए अपने आप को शिक्षित करिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक से एक आप लोग कहते हैं कि थाना पे जो भी होता है या आसपास जो आप काम करती हैं उसको बताइए,
या दिखाइए, ये हमें अलाउड नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम महसूस कर जो हम महसूस करते हैं वो आप लोग को हम बताते हैं। आज बड़ा बुरा लगा, इतनी रात को गए, देखे एक महिला बाहर से आई थी, बाहर के क्षेत्र का, दूसरे थाना का, ये भी तो नियम है, अपने थाना दूसरे थाना का ये भी देखना होता है। कोशिश करें अपनी बेटियों को ज़्यादा दूर ना ब्याहे, अपने से नज़दीक रखें उनको, अपने पास रखें। अगर शादी भी कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर ना भेजें उनको, उनसे हमेशा मिलते रहें, उनका केयर करें, उनसे पूछते रहें कि आप कैसे हैं। आप जैसा संस्कार देंगे वो अपना परिवार वैसे चलाएगी, ठीक है? तो ध्यान रखें, और महिला हैं तो अपने आप को शिक्षित, सक्षम और बुद्धिमान और शक्तिशाली अपने आप को बनाएं। तो जिसको मेरी बात बुरी लगी हो उनके मैं क्षमा मांगती हूँ, और जिनको थोड़ी ठीक लगी हो तो वो इस बात को महसूस कर सकते हैं, जो मैंने महसूस किया मैंने आपसे बोला, ठीक है? तो महिलाएं थोड़ा सक्षम बने, पुरुष उनका आदर करें, और आप भी अपना संस्कार थोड़ा उत्तम बना के रखें, ठीक है? तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि सामाजिक जो धारणा बनी हुई है कि ना ससुराल घर ना मायके घर, तो उस धारणा को देखते हुए अपने आप को सक्षम बनाते हुए अपना घर खुद बनाइए, ठीक है? भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता है, तो अपने ऊपर पूरा प्रयास कीजिए कि आप सक्षम बने। एक से एक बातें हैं जो मैं महसूस करूंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।